एक और बार बेवड़ा बोल, फिर काम तमाम। तुम बेवड़े गोलगप्पे, तू कुछ बोलेगा? चश्मुद्दीन तू? अच्छा हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बेहतरीन मूवीज का कलेक्शन, जिनको आप फ्री टाइम में एंजॉय कर सकते हो। ये सारी मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, तो आप इनको जब चाहे देख सकते हो, लेकिन ये डिलीट भी कभी भी हो सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप इन मूवीज को देख लीजिए। सभी मूवी को 10 से 20 सेकंड दिए जाएंगे, ताकि आप मजबूर हो जाओ उस मूवी को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन पे आती है 2008 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी मूवी हैंकॉक। बात करें इस मूवी की मेन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको मेन कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विल स्मिथ। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी में स्टोरी दिखाई जाती है हैंकॉक की, जो कि एक सुपर हीरो होते हैं और पब्लिक में उनकी जो इमेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि वो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। ऐसा वो जानबूझ के नहीं करते हैं, उनसे गलती से हो जाता है। अब ऐसे में एक पीआर एक्सपर्ट उनके सामने आता है और उनसे वादा करता है कि वो उनकी पब्लिक में जो इमेज ख़राब है वो उसको सुधारने में मदद करेंगे। अब आगे मूवी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और इस मूवी को 6.4 की आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली है IMDb की ओर से, तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हैं। नंबर टू पे आती है 2020 में रिलीज हुई एक वॉर एक्शन मूवी शैडो इन द क्लाउड। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी में स्टोरी दिखाई जाती है एक लड़की होती है जो कि एक पायलट होती है और उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं ताकि वो एक देश से दूसरे देश में उसको पहुंचा सके, लेकिन ऐसा करने में उसको बहुत सारी चीज़ों का, मतलब कि बहुत सारी मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ता है। अब ये देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो वो तो है 4.8 की आउट ऑफ 10, लेकिन आप इसकी IMDb पे मत जाइएगा, मूवी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। नंबर थ्री पे आती है 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी ओवरड्राइव। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी में स्टोरी दिखाई जाती है दो भाइयों की जो कि चोर होते हैं और गाड़ियों को चुराने का काम करते हैं। एक दिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक गैंगस्टर की गाड़ी को चुराएंगे, लेकिन जब वो लोग ऐसा करने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। अब आगे मूवी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 5.4 की आउट ऑफ 10। यू डिडंट नीड अ प्लान। नंबर फोर पे आती है 2012 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी पिराना 3D। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी में स्टोरी दिखाई जाती है एक प्राचीन मछली के बारे में, जो कि एक बहुत ही पुरानी और प्राचीन मछली होती है, लेकिन अचानक से वो एक लोकल वाटर पार्क में आ जाती है जिसमें लोग अपनी गर्मियों की छुट्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो जो मछलियाँ होती हैं वो उस पूल में आ जाती हैं और लोगों को मारना स्टार्ट कर देती हैं। अब ये मछलियाँ इतनी ख़तरनाक होती हैं कि एक स्टील की प्लेट को भी बड़े ही आसानी से चबा सकती हैं। अब आगे मूवी में क्या होता है, कैसे वो लोग बच पाते हैं ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 3.7 की आउट ऑफ 10। लेकिन गाइस, इस मूवी को आप अकेले में ही देखेगा, क्योंकि इस मूवी में अडल्ट सीन्स जो हैं भर भर के दिखाए गए हैं, तो इस मूवी को आप अपने रिस्क पे ही देखेगा। नंबर फाइव पे आती है 2006 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी क्रैंक। बात करें इस मूवी की मेन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएंगे जैसन स्नैथम, जो कि इस मूवी में एक असैसिन बने हुए हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से उनको अपना एड्रेनलिन लेवल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई करके रखना होता है, ताकि वो सर्वाइव कर सकें उस सीरम की वजह से। अब उस लेवल को हाई रखने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है ये जब आप मूवी में देखोगे तो यार आप लोग, सच बता रहा हूँ, मैं हैरान हो जाओगे। तो इस मूवी को आप देख सकते हो। इस मूवी को 6.9 की रेटिंग भी मिली है IMDb की ओर से, तो मूवी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और मैं आपको बता दूँ, ये मूवी YouTube पे अवेलेबल नहीं है, तो इसको मैं आपको MX प्लेयर का लिंक दूंगा, मतलब कि MX प्लेयर पे ये हिंदी में फ्री में अवेलेबल है, तो सिंपली आप क्लिक करके वहाँ से इस मूवी को देख सकते हो। तो बस गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की ये जो लिस्ट है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।
और गाइस अगर इन मूवीज में से कोई भी लिंक काम नहीं करती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जो लिंक है रिप्लेस कर दूंगा या फिर आपको उसका कोई अल्टरनेट तरीका बता दूंगा, ठीक है। और गाइस अगर आप इस वीडियो को डिसलाइक करने जा रहे हो तो यार प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ताकि मैं अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सकूँ। गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और थैंक यू फॉर वॉचिंग।